हेलो गाइस, इट्स मी समर शेख एंड वेलकम टू माय अदर न्यू व्लॉग। और इधर मैं फुल रेडी हो चुका हूँ यूनिक के लिए और टाइम बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। टोटल 4 मिनट्स हैं क्लास में, फटाफट से निकलता हूँ। मैंने सोचा व्लॉग वहीं पे स्टार्ट करूँ, पर मैंने सोचा नहीं, यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो फटाफट से चलते हैं, मैंने शूज़ भी नहीं पहना, सो पहनते हैं जल्दी, आपको वहीं पर कोई दिखा देंगे। फिलहाल खाया भी कुछ नहीं है, वहीं पर कुछ खाते हैं, जो भी सीन रहता है आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है आगे, पता नहीं क्या ओपन है। बस जब से मतलब एक दो क्लास लूंगा तो आस्था सा समझ में आएगा। फिलहाल तो लंच का इंतजाम करते हैं, बस टाइम बुक करना है। ब्लैक टी ऑर्डर आया हुआ था कैफेटेरिया पे, यहाँ पे इंतजाम से गई इसमें एक लाइन है, सारे लड़के सुने, बेबी हो ऐसी जो लव यू कह के शर्माए। क्या बोल रहे हो? कोई सभी ये क्लास खत्म और कुछ भी नहीं कहे, टाइम वाला डाई। और मैं ड्यूरिंग ब्रेक जा रहा था कुछ खाने, तो नीचे कैफेटेरिया में मिल गए फरहान सईद। हालांकि लिटरली बताऊं तो मैंने पहले नहीं देखा हुआ था, ना ही टीवी पे ना ही रियल में। तो मैंने पहले लोगों से पूछ रहा था कौन है, फिर उसको मैंने जूम करा देन दिखाया। तो अभी क्लास खत्म हुई है, चलते हैं घर, रास्ते में कुछ खा भी लेते हैं। कोई लंच का जो सीन बना है वो बना है फ्रेंड के साथ, जहाँ पर मैंने कल रात खाई थी सवैयाँ, अभी वहीं के लिए निकल रहा हूँ। और मौसम आज यार बहुत बेहतरीन, इसका चेक करें यार, ऐसे सीन्स मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिलहाल जल्दी जल्दी से निकलते हैं, बिकॉज आज मैंने थोड़ा शूट कम करा हुआ था, सुबह निकलते वक्त ये वो मैंने सोचा डेली मतलब बोर हो जाता है, तो मैंने सोचा कुछ चेंज करते, इससे जाते नॉर्मल शूट किया हुआ है। तो बस अभी चल रहे हैं फ्रेंड के पास, और कोइंसिडेंटली वो भी मिल गया फोन सहित फ्रांस सहित वो भी, तो बस उसकी भी मैंने एक क्लिप बनाई है छोटी जूम करके, वो भी अपलोड करूँगा। बस फिलहाल तो करता हूँ लंच, टाइट भूख लगी है। हाँ तो गाइस अभी मैं कर रहा हूँ अपना नाश्ता, टाइम देखे 4, लिटरली सुबह से कुछ भी नहीं खाया, टाइट भूख लगी है, फटाफट से करते हैं नाश्ता, अब तो बोला भी नहीं जा रहा। हाँ तो गाइस नाश्ता वगैरह करके निकल चुका हूँ, और अभी जो है असर की अजान आ रही है, तो मैं इसलिए निकल चुका हूँ, मैंने सोचा गेम वगैरह खेलते हैं, कुछ वार्म अप होते हैं, बिकॉज जिस दिन मैं गेम नहीं खेलता मज़ा नहीं आता। यहाँ पे आते मतलब मैंने गेम कम कर दिया, अदरवाइज वहाँ पर तो आपको पता है मेरी रूटीन है। तो बस फटाफट से निकलते हैं और जाते हैं, बिकॉज टाइम तकरीबन 15-20 मिनट है, तो थोड़ा स्पीड में जाऊंगा। चलते हैं फिलहाल चेंज वो करते हैं और खेलते हैं गेम। फिर जाते जाते डलवा लेते हैं पेट्रोल, बगैर पेट्रोल के तो बाइक चलेगी नहीं। 200
सही बताओ तो भाई अभी वो चाहूँ फ्लैट पे और अभी जाऊँगा गेम पे, मोबाइल चार्ज नहीं है, चार्जिंग पे रख के जा रहा हूँ, तो वहाँ पे शूट वगैरह नहीं करेंगे, गेम के बाद आकर देखते हैं कहीं बाहर वगैरह चक्कर लगाते हैं। तो लेट सी, फिलहाल मैं जा रहा हूँ गेम पे, कुछ कल भी नहीं गया था, थोड़ी देर यार बंदा गेम खेले, कई गेम वगैरह खेल के आ चुका हूँ यार, पता नहीं क्यों नींद आ रही है। आप ये देखें, पता नहीं क्यों नींद आ रही है, टाइम भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ 7 बजे। सुबह भी क्लास है, 8:30 बजे। यार नींद क्यों आ रही है। कई बार अंधेरा देखें, ये यहाँ पे रात को यही हालत होती है। टाइम पता है आपको क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 7, तो 7 बजे ये हालत है। और लिटरली जोर मलीर या मतलब ऐसी साइड्स में रात को 3-4 बजे भी ऐसी हालत नहीं होती, सही है। तो एक तो इस वजह से मैं जल्दी सो जाता हूँ, बिकॉज बंदे को मॉल में एडजस्ट होना पड़ता है, तो मैं उस हिसाब से जोर में होता हूँ, मतलब मलीर जाता हूँ तो लिटरली 4-5 बजे सोता हूँ, क्योंकि सारी रात शहर खुला हुआ होता है, कभी बाहर निकल जाते हैं कभी काम। यहाँ पे देखें बाहर है, मतलब मिल जाएगा खाने पीने के लिए सामान, मतलब रौनक नहीं है ना जो बंदे को चाहिए वो नहीं है, तो बस एक रात पे एक मुझे शहर याद आ रहा है, दिन ना हो तो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रोशनी, हाँ सही है, ओके। इस रात पे शेर याद आ रहा है, बंदा दिन तो सुकून से गुजार लेता है, अगर अक्सर पता लगता है उसका रातों में। अरे कहना क्या चाहते हो। वाह 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 यार, चले जी सीन बनाते हैं डिनर का, भूख लगी है टाइट। तो वही डिनर हो चुका है, अभी रेडी कर रहा था चाय चाय, 30 का कट। सबसे पहले जाएगी चीनी, मीठी, और अब जाएगी इसमें चाय पत्ती। मस्त रेडी हो चुकी है बनके, अब जल्दी कप्स में डालते हैं, वो शूट नहीं करूँगा बिकॉज चीनी भी गिरी है, पत्ती भी गिरी है, चाय गिर गई तो मसला हो जाएगा। कोई ना, अभी बस लोग को यहीं पे करने लगा हूँ एंड आज जो है कोइंसिडेंटली फ्रांस साइड मिल गया, तो मतलब अच्छा लगा मिल गया था, मिला तो नहीं दूर से ही छुपा यार। वैसे मुझे मतलब इतना वो जो बोलते हैं कि शौक नहीं होता दूसरों से मिलने का, मेरा माइंड सेट ये होता है आप लोगों को बता दूँ कि बंदा मतलब उस लेवल पे पहुँचे कि मिलने में मज़ा है। अभी अगर मैं मिलता तो मतलब इग्नोर ज़्यादा मिलता, वो कम मिलता, इग्नोरेंस ज़्यादा मिलता, तो इस वजह से मैं आगे नहीं गया। मैंने थोड़ा सा शूट करा वो ब्लॉग के लिए लिटरली, अदरवाइज मैं नहीं जाता। बहुत से हमारे यूनिट्स में आए जब मैं ब्लॉगिंग में नहीं था, जब मेरा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर था, बहुत से हैं मैं गया ही नहीं, ऑडिटोरियम में कैफे में बहुत जगह पे मैं नहीं गया। तो आज मैं सोच रहा था अच्छा कॉन्टेंट मिल जाएगा शूट करने के लिए, हो सकता है वायरल भी हो जाए, तो मैं इसलिए चला गया। तो बता बस लोग को यही पे करने लगा एंड आई होप कि लोग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।